साहस सरोकार। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और रिपोर्ट पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 12 यात्रियों के पेट से 3 किलो सोना मिला है। यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुबई से सभी यात्री लौटे थे जिनके पेट से 12 किलो सोना मिला है। अस्पताल ले जाकर एक्सरे करवाने पर सोना निकाला गया है। सरोजनी नगर थाना पुलिस और एयरपोर्ट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां तस्करों को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी पुलिस को एयरपोर्ट पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 12 यात्रियों के पेट से 3 किलो सोना मिला है। आपको बता दें कि एक्सरे कराने में यह पता चला कि यात्रियों के पेट में 12 किलो सोना है। दुबई से ये सभी यात्री वापस लौट रहे थे। आपको बता दें अस्पताल ले जाकर एक्सरे करवाने पर सोना निकाला गया है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र पुलिस और एयरपोर्ट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। तस्करों को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एयरपोर्ट पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 12 यात्रियों के पेट से 3 किलो सोना निकाला गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, कैसे पुलिस को ये पता चला कि एयरपोर्ट में यात्रियों में कुछ गड़बड़ है? क्या जानकारी है, कैसे ये पता चला? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, दुबई से जो लोग 12 यात्री पहुंचे हुए थे, उनके पास से पहले तो कस्टम विभाग ने जो सिगरेट बरामद की थी, वो सिगरेट को तो कब्जे में ले लिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से उनके पास से जो सोने की बरामदगी हुई है, तो क्योंकि मुखबिर के द्वारा जो सूचना दी गई थी, सूचना में ये साफ तौर से बताया गया था कि इन लोगों के द्वारा जो सोने की तस्करी है वो की जा रही है, और सोने की तस्करी करने का जो नया तरीका निकाला गया उसको लेकर के जो संयुक्त ऑपरेशन जो पुलिस और कस्टम विभाग का चलाया गया, उसमें जब डॉक्टर के पास ले जाकर के इनका एक्सरे कराया गया, तो एक्सरे में साफ तौर से देखा गया कि उनके पेट के अंदर सोना है। और फिलहाल जो सोना था उसको जो है फिलहाल निकाल लिया गया, क्योंकि सोने के अगर वेट की बात की जाए तो लगभग 3 किलो सोना बताया जा रहा है। और ये जो आरोपी हैं, ये 12 आरोपी हैं, और ये लोग दुबई से ही लौटे थे, जिस दौरान कस्टम विभाग ने इनके पास से बरामदगी जो की थी, उसके बाद जब इन पर संदेह हुआ था और मुखबिर ने जो सूचना दी थी उसके आधार पर पूरी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी करने के बाद अब जो इनके खिलाफ कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई करते हुए फिलहाल सरोजनी नगर पुलिस ने इन सभी आरोपियों को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया है। और इसमें की जो आगे की कार्रवाई है वो भी कार्रवाई पूरी तरीके से ऑपरेट की जा रही है। और इसके साथ साथ ये जो सोना का जिस तरीके से पेट में लेकर के निकले थे, ये पूरी जो रणनीति है, ये एक पूरी फिल्मी अंदाज में पूरी रणनीति बनाई गई है। फिल्मी अंदाजी में जैसे पहले कई बार तस्वीरें देखी गई कि ड्रग्स की स्मगलिंग इस तरीके से की जाती थी, लेकिन अब अगर सोने की तस्करी की बात की जाए तो उसका इस्तेमाल अब सोने में किया गया है। तो अब देखा यह जा रहा है कि आखिर ये जो तस्करी की जा रही थी, तो तस्करी के पीछे आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके को अपना रहे हैं। और इस मामले को लेकर के पुलिस का भी दावा यह है कि इस मामले में अभी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो अभी बढ़ सकती है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। अलीगढ़ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा की ओर बढ़ रही है। प्रियंका गांधी, जयराम रमेश समेत कई दिग्गज नेता इस यात्रा में मौजूद रहे हैं। रात में बुलंदशहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकी थी। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां अलीगढ़ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा की ओर निकल पड़ी है। प्रियंका गांधी, जयराम रमेश समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि रात में ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुलंदशहर में ही रुकी थी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।